पटरियों के सहारे पॉलिटिक्स की नब्ज को टटोलने का नाम है गाड़ी बुला रही है। इस वक्त जिस रेल को आपने देखा, जिस इंजन को आपने देखा, इसके ही मुसाफिरों के सहारे, इस रेल के इंजन के मुसाफिरों के सहारे पॉलिटिक्स की नब्ज को तलाशने का नाम है गाड़ी बुला रही है। अब तक आपने देखा दिल्ली से लेकर ग्वालियर तक, ग्वालियर में लोगों से चर्चा भी की और तब आपने ये जाना कि मुद्दे हैं, बहतेरे मुद्दे हैं, इसके अलावा देश के वोटर के मानस में क्या है वो भी लगातार हम आपको सफर के जरिए बता रहे हैं। अब यहां से शुरुआत करेंगे, एक बार फिर आपका गाड़ी बुला रही है मैं स्वागत है। मैं और मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट विपिन लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अब आगे का जो सफर होगा वो होगा ग्वालियर से भोपाल, यानी ये महलनुमा स्टेशन जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, एक महलनुमा स्टेशन ये है और एक मध्य प्रदेश की राजनीति का महल है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है मध्य प्रदेश की राजनीति में, जो हमेशा से पावर सेंटर रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति का। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की राजनीतिक नब्ज को इसी तरह से हम टटोलते रहेंगे और अब इस कारवां को गाड़ी बुला रही है कि इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे और अब रुख करेंगे मध्य भारत की तरफ। शुरू करते हैं सफर, गाड़ी बुला रही है। जो सफर है वो शुरू हो रहा है पातालकोट एक्सप्रेस से। पातालकोट एक्सप्रेस, ये नाम आपको अपनी तरफ खींचता होगा। दरअसल ये एक जगह है छिंदवाड़ा से तकरीबन 78 किलोमीटर दूर तामिया में, ये एक जगह है जिसका नाम है पातालकोट। उसे ऐसे समझ लीजिए कि एक कुएं के अंदर, दावा ये किया जाता है कि तकरीबन 12 गांव हैं। आधुनिक दुनिया से पातालकोट के जो लोग हैं उनका संपर्क तकरीबन 2 दशक पहले शुरू हुआ है और भारिया और गोंड जनजाति वहां पर निवास करती हैं। ये इस वजह से भी मैंने आपको बताया, चूंकि इस बार का जो चुनाव रहेगा वो आदिवासी सेंट्रिक रहने वाला है, इस वजह से भी आपको जानना चाहिए कि पातालकोट एक्सप्रेस इसका नाम क्यों पड़ा। तकरीबन 1400 किलोमीटर की दूरी ये गाड़ी तय करती है और इसमें आज हम वोटर के मानस को भांपने की, जांचने की कोशिश करेंगे। एक वोटर होता है जो तथ्य पर चलता है, कहानियों पर, एक वोटर होता है जो सत्य पर चलता है। इस वक्त मैं B3 में हूं और यहां पर जो वोटर होगा उसकी एक सोच होगी, उसके पास एक दिशा होगी, दशा होगी, वो हर चीज का बेहतर कैलकुलेशन कर पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, गाड़ी बुला रही है और सवाल पूछते हैं लोगों से, उनका मानस जानने की कोशिश करते हैं। मैम आप वोट करती हैं? मैं फर्स्ट टाइम वोट किया इस साल। फर्स्ट टाइम वोटर, ओके। तो आपका कहाँ वोट पड़ता है, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में? ग्वालियर। ग्वालियर, ओके, प्रॉपर ग्वालियर। सो क्या लगता है, क्या मुद्दे इस बार होने चाहिए इलेक्शन को लेकर? इलेक्शन को लेके सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट हूँ, तो इस हिसाब से मतलब मेरे को नीट देना है इस साल, तो मैं चाहूंगी कि उस पर ज्यादा फोकस हो, मतलब क्योंकि कोई भी चीजें टाइम टू टाइम नहीं होती, इसकी वजह से बहुत लैग आता है बीच में, तो मतलब ईयर खराब होने के भी ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो मैं चाहूंगी कि गवर्नमेंट इस चीज पे ज्यादा फोकस करे। बहुत सारी जगह ये मुद्दा भी निकल कर आया है कि रोजगार, एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। इशू है, हाँ, खासकर ये डेंटिस्ट के लिए तो बहुत बड़ा इशू है। मैं चाहूंगी कि गवर्नमेंट इस चीज पे वर्क करे और ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि वैकेंसीज होती हैं पर पता नहीं चल पाता है टाइम से, तो उस चीज पे वर्क करे तो मेन सही है। एक चीज और है, वैकेंसी टू अपॉइंटमेंट, इसका गैप बहुत बड़ा है। हाँ, जैसे कि अभी कुछ साल पहले की बात है, अभी 2022 में MBBS हुआ था, पर उसकी अभी तक मतलब अलॉटमेंट नहीं हुई है। जो भी इस दिन का भी हुआ था सिलेक्शन, उनको अभी तक मतलब अलग अलग जगह पे उनका नहीं हुआ है, तो हाँ वही अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, तो वही चीज को, प्रोसेस को थोड़ा जल्दी करें। और क्या मुद्दे लगते हैं इसके अलावा, क्या करप्शन मुद्दा है? करप्शन तो है ही, सही है। वो तो है ही, वो तो बड़ा मुद्दा है ही। पर ये कहा जाता है, सरकार कहती है हम करप्शन लेस काम कर रहे हैं, नहीं ऐसा तो है ही नहीं, करप्शन तो है ही, हर फील्ड में करप्शन है। जी बिल्कुल। इसके अलावा करप्शन की बात करी जाए, एजुकेशन की बात करी जाए, एम्प्लॉयमेंट की, वुमेन सेफ्टी, हाँ वुमेन सेफ्टी तो बहुत बड़ा इशू है। जैसे कि MP में, ग्वालियर में अभी कुछ डबरा का ही केस है, हाँ उसमें तो वही बहुत इशू है, तो उन सबको मतलब हेल्पलाइन नंबर या तो आप हर जगह प्रोवाइड करवाएं, जैसा भी हो मतलब वर्क करना चाहिए इस चीज़ पे। वर्किंग वाला ऐप बनाए या कोई भी कोशिश करें वो वर्क हो। जी 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 बिल्कुल, थैंक यू। तो बहुत अच्छे वोटर, उनसे हमारी बातचीत हुई, कोशिश कर रहे हैं मिजाज भांपने की। सर आप वोट करते हैं? क्या क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव में इस बार आपके हिसाब से? सही है, विकास भी सही चल रहा है, संदेश भी सही दिशा में है। अच्छा, ट्रेन वगैरह की कंडीशन को लेकर, इतनी ट्रेन चलने की बात आती है, प्रॉपर ट्रेन में सारी सेफ्टी और सारी चीजें हो रही हैं? हाँ ये है कि चढ़ते समय अब ये
जिनके पास प्रॉपर टिकट भी नहीं है वो लोग भी, ये थोड़ा सुधरना चाहिए। जब अपन इतना फेयर देते हैं क्लास का तो ये सुविधा तो मिलना चाहिए। जी जी, आप कहाँ पर वोट करते हैं, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं? भोपाल। भोपाल से हैं आप, चलिए। और इस बार क्या लग रहा है, सरकार के अगर कामों के हिसाब से देखें तो कितना आप उसे रेट करेंगे? 1 to 10। अब राम मंदिर ने तो लगभग 100% ही कर ही दिया है। राम मंदिर इस बार का बड़ा मुद्दा है, पर विपक्ष तो कह रहा है करप्शन हो रहा है, ईडी उनके घर नहीं जा रही, हमारे घर ही आ रही है। नहीं, वो ईडी अपना काम करती है, वो डिपार्टमेंट इसी का है, वो अपना काम करता है, ये सरकार अपना काम कर रही है, अब क्या कर। पर आपको लगता है राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है? हाँ, इसके अलावा और क्या नेताओं से एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए? वैसे बीजेपी के तो ठीक चल रहे हैं नेता लोग, कोई करप्शन वगैरह का भी कोई सामने आया नहीं, ठीक है इनका काम तो। पर राम मंदिर मुद्दा रहेगा, करप्शन भी मुद्दा है आपकी नजर में? हाँ, करप्शन भी है क्योंकि विकास भी हो रहा है और पारदर्शिता भी अच्छी है। ट्रांसपेरेंसी इज अ फैक्टर जो बहुत सारे लोगों को सीधे प्रभावित करता है। मैं नरेंद्र मोदी जी का तय दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इंडिया के अंदर बहुत सुधार किया है, पर मुझे दुख सिर्फ एक बात का है कि पंजाब के अंदर उनका नाम बिल्कुल खत्म कर दिया था। मैं खुद एमसी की सीट पे खड़ा हुआ था इलेक्शन के अंदर, मुझे खुद को 27 वोट पड़े थे, हमने फिर भी आपका साथ दिया और आज भी आपके साथ हैं। पर हम आपसे हाथ जोड़ के एक ही हमारी प्रार्थना है, कोई सरकार इस नशे को खत्म नहीं कर सकती, पंजाब हमारा खत्म हो चुका है। मैं खुद नशे का आदि हूँ, आज भी करता हूँ, पर आगे से मैंने अपने आप को चेंज किया है, अपने बच्चे पाल रहा हूँ, ये मेरे कुछ भी मान लो भी मैंने क्यों छोड़ा है, क्यों ऐसा करना चाहता हूँ, पर मैं मोदी जी से एक ही हाथ जोड़ के बेनती करना चाहता हूँ कि कोई, सब सरकारें खाऊ सरकारें हैं, मैं ठोक के बोलता हूँ, जितनी सरकारें हैं सब खाती हैं, सब वोटों के लिए चल रहा है। पर मेरा हाथ जोड़ के आपसे बेनती है, ठीक है आप वोटों के लिए कुछ भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है, पर हमारी आने वाली जनरेशन को, पीढ़ी को बचाइए, इस नशे को पंजाब से मुक्त करवाइए, ये मोदी जी आप ही करवा सकते हैं और कोई नहीं करवा सकता। पंजाब के एक वोटर हैं और नशे का आलम पंजाब में दरअसल ये है कि तमाम जो सरकारें दावा करती आई उसके बाद भी नशे का जो रेवेन्यू रेट है, रेवेन्यू मतलब कमाई, सरकार की कमाई, जाहिर तौर पर जहां से कमाई ज्यादा होगी सरकार वहां से डिफोकस नहीं होना चाहेगी, लेकिन ये बड़ा मैसेज है पंजाब के लिहाज से। सर आप वोट करते हैं? हाँ जी सर। क्या मुद्दे आपके हिसाब से होने चाहिए इस बार के इलेक्शन के लिहाज से? मुद्दे सर बेरोजगारी और ये नशा जो फैल रहा है हरियाणा पंजाब में, उधर बहुत ज्यादा है, हरियाणा से नशा बहुत ज्यादा है सर, उधर नशा कंट्रोल करना चाहिए सरकार को। नशे के अलावा और क्या वहाँ की समस्याएं हैं जिन पर फोकस? बेरोजगारी मेन मुद्दा है सर हरियाणा में, बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या आपको लगता है कि पूरे देश में एक बड़ी समस्या है? हाँ, देश में भी ज्यादा है क्योंकि सर युवा आबादी ज्यादा है फिलहाल कंट्री में, तो उसकी वजह से देश में भी ज्यादा है, हरियाणा में भी काफी ज्यादा है क्योंकि पिछले 4-5 साल में सरकार कोई भर्ती नहीं कर पाई। अच्छा, ये वहाँ पर भी यही हाल है? हाँ, यही हाल है वहीं भी। तो ज्यादातर राज्य सरकारों के ऊपर ये आरोप कि वो भर्तियां पूरी नहीं करवा पाती हैं। एक तजुर्बेकार वोटर भी हमारे साथ, आप वोट करती मैम? जी। क्या मुद्दे आपके साथ से होने चाहिए? अभी तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। कहाँ वोट करती हैं आप? झांसी। झांसी के वोटर हैं। ओके, आपको लगता है सभी बढ़िया चल रहा है? हाँ, हमारे यहाँ योगी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, तो हम लोग तो बहुत खुश हैं। तो सरकार को मार्किंग अच्छी देंगी आप? हाँ, बिल्कुल जी। और क्या करना चाहिए सरकार को? हमारे यहाँ तो सभी अच्छा चल रहा है, सभी अच्छा चल रहा है, योगी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया, तो हमारे उसके लिए अब क्या, बहुत शुक्रिया है उनका। शुक्रिया है। वुमेन सेफ्टी वगैरह या ये रेल परिवहन, इसमें कोई सुधार होना चाहिए? देखिए, हमारे झांसी में तो आज तक कभी कोई गड़बड़ हुई नहीं है, ना वुमेन्स के उसके आज कोई कुछ भी नहीं होता है, और रेलवे के तो हम लोग खुद ही रेलवे में है तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो रेलवे भी बेहतर काम कर रहा है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक आइकन दिया है दरअसल देश को, एक फिल्म आई थी फैसला ऑन द स्पॉट, एक डायलॉग हुआ करता था, हालांकि इसको लेकर कहा भी बहुत कुछ जा रहा है, इसकी आलोचना भी हो रही है, बट उन्होंने एक एक्शन दिया बुलडोजर, पहले बुलडोजर सड़क बनाने का पर्याय था, अब बुलडोजर घर ढहाने का या फैसला ऑन द स्पॉट का पर्याय बना हुआ है। कुछ और वोटर्स भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं?
सर, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा रीजन है और मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार को आने वाली जो सरकार बनती है उसमें उनको ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज को ओपन करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये चीजें काफी कम होती जा रही है हम देखते हैं। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि रोजगार, जो आपने बोला उस पे ध्यान देना चाहिए उनको मेरे हिसाब से। जी जी, ये बड़ा मुद्दा रहेगा, जिस पर काफी 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 बड़ा मुद्दा रहेगा। एजुकेशन हुआ और जॉब ओपनिंग्स हुई, और रेलवेज में जैसे आप अभी पूछ रहे थे तो मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी कि हम जब ट्रैवल करते हैं तो यूजुअली हमें मेडिकल जो एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए वो हम स्टेशन पे बहुत लैक करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि स्टेशन पे हमको एक मोबाइल यूनिट, ऐसा हेल्थ मोबाइल यूनिट हो जो एट अ टाइम इन केस ऑफ इमरजेंसी वर्कआउट कर सके। तो एक छोटा मेडिकल सपोर्ट सिस्टम या एक छोटी यूनिट जिसको कहते हैं वो इट शुड बी मैंडेटरी ऑन ऑल स्टेशन, या कि एक मेडिकल यूनिट हर स्टेशन पे प्रोवाइड हो और जॉब ओपनिंग ज्यादा से ज्यादा सरकार। दो महत्वपूर्ण बातें, एक हमें जो अभी पता चली जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं, जो हमारे जिनसे हमारी चर्चा हो रही थी वो भी मेडिकल से ताल्लुक रखते हैं, आप भी मेडिकल से ताल्लुक रखते हैं, ये और ज्यादा बेहतर होना चाहिए। आप वोट करते हैं सर? यस सर। कहाँ के वोटर हैं आप? शिवपुरी एमपी। शिवपुरी अपना एमपी, बहुत बढ़िया। तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? जो हमेशा ही रहते हैं। ओके, मेरे हिसाब से तो कोई चेंज नहीं होता है। पर वहाँ तो मतलब बड़ा एक जैसे सिंधिया परिवार है, वो कह रहे हैं डेवलपमेंट हुआ है, स्टेशन भी बन रहे हैं। हाँ, तो स्टेशन तो पहले से ही था और आगे भी रहेगा ही, डेवलप जो हो रहा है वो तो होना ही चाहिए। उसके लिए अगर कोई क्रेडिट ले रहा है तो वो तो उनका लुकआउट है। हाँ। लेकिन मेरे हिसाब से जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए। स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए, डेफिनेटली। और क्या वोटर का मानस रहेगा जब वो वोट करने जाएगा इस बार आम चुनाव में? मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा तो बेरोजगारी ही है, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी बिग रीजन। एंड सेकेंड रीजन आपका जो ये आप महंगाई बढ़ रही है, ये भी सब चीजें हैं। बाकी तो अब वोटर का तो अभी आजकल कुछ कह नहीं सकते, जहाँ बह जाएगी वहाँ गंगा चली जाती है, ऐसा है। अचानक से गंगा बह जाती है, हाँ, तो एकदम से बन पलटता है वोटर। हाँ, ये आजकल जो चुनाव के रुझान में कुछ और रिजल्ट आता है और उससे पहले इलेक्शन में वो लोग कुछ और बोलते हैं, ये मैंने अभी मेजर किया है। लास्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के इलेक्शन से ये बड़े ड्रास्टिक रहे, तीनों राज्यों के चुनाव बड़े उलटफेर वाले रहे। हाँ, तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये है कि मोदी जी जीतेंगे इस बार, कन्फर्म है। तो चूंकि ये शिवपुरी के वोटर हैं, आपको अगर जैसे उत्तर प्रदेश में आप राजनीतिक जागरूकता बहुत देखेंगे, ठीक उसी तरह आप उससे महसूस कर सकते हैं शिवपुरी, मुरैना, ये जिस संभाग में हम अभी यात्रा कर रहे हैं और मध्य भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सर, आप भी वोट करते हैं? बात नहीं करना चाहते? ठीक, वोट ही नहीं देते? देखिए, नाराज लोग भी हैं, लेकिन वोट जरूर करना चाहिए। अगर आप अच्छे के लिए करना चाहें, आपको नाराजगी व्यक्त करनी हो, और अब तो ये ऑप्शन भी है कि आप रिजेक्शन भी कर सकते हैं। सर, आप वोट करते हैं? हाँ जी, करते हैं। कहाँ के वोटर हैं सर आप? मैं हरियाणा। हरियाणा से। क्या मुद्दे आपको लगते हैं इस बार आम चुनाव के लिहाज से? बेरोजगारी सबसे पहले मुद्दा है जी, बेरोजगारी। हाँ जी। और सरकार तो कह रही है कि हम भर्तियां कर रहे हैं या लगातार जो जॉब ओपनिंग्स हो रही हैं? नहीं, बस सरकारी जॉब पे मतलब वो नहीं कर रही ना, सिर्फ प्राइवेटाइजेशन पर। हाँ जी। बेरोजगारी के अलावा क्या एजुकेशन को लेकर आपको लगता है और काम होना चाहिए? हाँ जी, देख थोड़ा महंगाई पे निरंतर होना चाहिए। महंगाई? हाँ जी, महंगाई वाकई परेशान कर रही है लोगों को। बिल्कुल कर रही है सर, लेकिन इसका वोटिंग पे असर नहीं दिख रहा है, कोई खास वजह लगती है आपको? वोटिंग पे तो दिखेगा, लेकिन अभी नहीं दिख रहा, थोड़े थोड़े टाइम के बाद दिखेगा उसका असर करेगा। हाँ जी। एक राम मंदिर का मुद्दा भी कहा जा रहा है, बहुत सारे लोगों ने भी कहा कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, आपको भी लगता है? मुद्दा तो है ही, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो बेरोजगारी ज्यादा मुद्दा है। बेरोजगारी, महंगाई, वो बड़े मुद्दे हैं। बेरोजगारी और महंगाई ज्यादा बड़े मुद्दे हैं, और महिला वोटर भी हैं, आप भी वोट करती हैं मैम? क्या आपके हिसाब से मुद्दे होने चाहिए इस बार? इस बार ज्यादातर तो ये बेरोजगारी का ही है एक जो पर्टिकुलर मुद्दा है। एजुकेशन में फिर भी थोड़ा बहुत काम हो रहा है। हाँ। मेजर प्राइवेटाइजेशन और बेरोजगारी। प्राइवेटाइजेशन कहाँ और ज्यादा किस सेक्टर में काम करने की, या नेता से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं बतौर वोटर आपके? बतौर वोटर तो एक्सपेक्टेशंस अभी यही है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उस पर ज्यादा फोकस करा जाए। हाँ। ज्यादा
इशू उनको ही आता है और सबसे ज्यादा पिसते भी वही हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन। हाँ जी, बिलो पॉवर्टी लाइन ये एक मेजर पॉइंट है। इसको लेकर आमतौर पर आपने नहीं देखा होगा कि बिलो पॉवर्टी लाइन को लेकर कोई चर्चा करे। हालांकि सरकार का ये कहना है कि हम अन्न उन तक पहुंचा रहे हैं और भी योजनाएं हैं। विपक्ष का ये कहना है कि ये सिर्फ चुनावी बातें हैं और चुनाव के दौरान ये बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इतना तय है कि रोजगार लोगों के दिमाग का एक बड़ा मसला है जिस पर और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और जो सिर्फ बोल देने भर से कम नहीं आएगा। तो सफर लगातार जारी है और आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क और सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क आपके साथ बना हुआ है। गाड़ी बुला रही है। तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। आपने नए रेफरेंस में इस कविता को सुना होगा। मेरे पीछे देखते रहिएगा, रानी कमलापति स्टेशन है। तो वापस कविता पर आता हूं। आपने इसे इस नए नए किस्म से सुना होगा, पर मैं इसे राजनीति से जोड़कर आपको बताता हूं कि इस बार जब दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी टिकटों का ऐलान करेंगे तो बहुत से दावेदार ऐसे होंगे जिनके कलेजों पर पुल वाली फीलिंग आएगी। दुष्यंत ने कुछ और सोचकर इसे लिखा होगा, वो उनकी सबसे फेवरेट गजल थी। अब बात रानी कमलापति की कर ली जाए। आप सोच रहे होंगे कि रानी कमलापति की दिव्यता और भव्यता के बारे में हमने सुना है, तो मैं आपको बता दूं ये उसी दिव्य भव्य स्टेशन रानी कमलापति का दूसरा हिस्सा है जहां इस वक्त मैं उतरा हुआ हूं। और रानी कमलापति, उन्हें आप जानते हैं, उनकी शौर्य गाथाएं आपने बहुत सुनी है। कुल जमा बात कि मैं झीलों के शहर आ चुका हूं, भोपाल आ चुका हूं, यानी सियासत के केंद्र बिंदु में आ चुका हूं। मध्य प्रदेश की 29 और छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर चुनावी बिगुल बज चुका है और रेल के जरिए हम वोटर्स के मन को भांपने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे और मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट विपिन को इजाजत दीजिए, लेकिन फिर होगी मुलाकात एक नए सफर पर, क्योंकि गाड़ी बुला रही है।